एक प्रकार नारी बनाएगी नारी बनाएगी वैसे ही सर होगा नारी बनाए अरे नारी बनाई के रामो नारी बनाए के Thank you.
से थाट बंधा, इसको बांधना कहते हैं। क्यों बांधना कहते हैं? क्योंकि ये हाथ बंधे हुए हो, अभी खुले हुए नहीं है। तो बंधे हुए हाथों से हम शुरुआत करें। यहां आके जयपुर स्टाइल में, जयपुर घराने में थोड़ा सा थाट का अंदाज बदला। सुंदर प्रसाद जी से शिक्षा ग्रहण करी, उनके थाटों में बंधे हुए हाथ भी थे और खुले हाथ भी थे, चक्कर भी थे, और आगे खड़े होने का अंदाज सबसे ज्यादा था कि आगे खड़े होने के अंदाज को हम थाट कह रहे हैं कि अब बंधा थाट। जैसे था दिन 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 धा छोटा सा
मंदिरों में अपने लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन दे के मैंने इसको शुरू किया। सबसे पहले मेरे पास एक छोटी बच्ची आई थी जो 3 साल की थी। उसने आते ही शुरू किया कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। और मैंने कहा बेटा आप तो 3 साल के हो, नहीं सीख पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे सीखना है। और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी जनकपुरी में, आद्या शिप्रा। और उसके बाद में काफ़ी टाइम लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आज मेरी वासुकी नाट्यशाला में कम से कम 150 बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। यहाँ वासुकी नाट्यशाला से कई बच्चे प्रोफेशनल्स होके निकले हैं
और कई बच्चे अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल्स में टीचर भी हैं जिन्होंने कल्चर मिनिस्ट्री से स्कॉलरशिप्स ली हैं, CCRT से स्कॉलरशिप्स ली हैं, ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास। मुझे इसी बात की खुशी है कि इसमें से आज भी अगर एक बच्चा भी आगे बढ़कर प्रोफेशनल निकल जाता है तो हमारी हर साल की जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। बस मेरी यही एक तमन्ना है कि ये वासुकी नाट्यशाला खुले खुले और अपनी एक जगह बनाए, अपनी एक पहचान बनाए।